नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय बड़ी वारदात सामने आई है। घर में घुसकर पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, युवक की मौत, महिला की हालत नाजुक। एक महीने में दूसरी बार नाबालिग बेटी का अपहरण। कांकेर जिले के ग्राम बिहावापारा में शुक्रवार देर रात घर में घुसकर सिर फिरे आशिक ने पति पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और नाबालिग बेटी का अपहरण कर फरार हो गया। इस हमले में पति की मौत हो गई है, वहीं पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। एक महीने पहले भी आरोपी नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले गया था। मामला दुधावा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बिहावापारा निवासी प्रताप शौरी अपनी पत्नी ममता और नाबालिग बेटी के साथ खाना खाने के बाद शुक्रवार रात सोने के लिए चले गए थे। देर रात आरोपी अजय मरकाम घर में घुस आया और दोनों पति पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से हुए ताबड़तोड़ हमले के कारण पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर, पेट, हाथ में गंभीर चोट आई। वे वहीं लहूलुहान होकर गिर गए। वहीं आरोपी नाबालिग का अपहरण कर वहां से फरार हो गया। घटना के वक्त घर में मृतक की भांजी मौजूद थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण जब तक बाहर आए तब तक हमलावर भाग चुका था। वहीं लोगों ने देखा कि पति पत्नी लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं, जबकि नाबालिग बेटी घर से लापता है। लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई है। पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस नाबालिग बेटी की तलाश में जुट गई है। जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। SDOP मोहसिन खान ने बताया कि महीने भर पहले भी अजय मरकाम ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। आरोपी धमतरी जिले के सिहावा का रहने वाला है और कांकेर के दुधावा में काम करता है। उसने कुछ दिन प्रताप शौरी के घर में भी काम किया था और उसी समय से उनकी नाबालिग बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। 3 मई को भी आरोपी रात में प्रताप शौरी के घर में घुस आया और नाबालिग को माता पिता को जान से मार देने की धमकी देकर जबरन अपने साथ ले गया था। माता पिता ने तुरंत थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया तो पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354, 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था और शुक्रवार रात करीब 1 बजे उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक की भांजी ने बताया कि आरोपी रात 1 बजे घर में घुसा और नाबालिग को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। जब माता पिता ने इसका विरोध किया तो उसने दोनों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचते, आरोपी नाबालिग का अपहरण कर फरार हो चुका था। हमले में नाबालिग के पिता की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। SDOP मोहसिन खान ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। नाबालिग को सकुशल बरामद करना पहली प्राथमिकता है। दो अलग अलग टीम आरोपी के रिश्तेदारों, दोस्तों सभी से पूछताछ कर रही है।